नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षाएं 26 मार्च से शुभारंभ हो गई हैं। प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण प्लस टू एसएसटी हाई स्कूल बरहेट इंटर आर्ट्स की छात्र वंचित रहने का मामला प्रकाश में आया है। छात्र का नाम होपना हेम्ब्रम, पिता जोन हेम्ब्रम, बरहेट प्रखंड अंतर्गत ढोबडीहा के स्थानीय छात्र हैं। उन्होंने बताया कि प्लस टू एसएसटी हाई स्कूल इंटर आर्ट्स एग्जाम फॉर्म भी भरा गया है। प्लस टू एसएसटी हाई स्कूल के छात्र होपना हेम्ब्रम को प्रवेश पत्र नहीं मिलने पर प्रधानाध्यापक फुल कुमार मंडल से शिकायत भी किया, लेकिन छात्र की बातों को सुनकर 2 मार्च से 26 मार्च तक आश्वासन ही देते रहे। तत्पश्चात वे निरंतर प्रधानाध्यापक के संपर्क में रहा, उन्हें अपने बातों पर टाल मटोल करते रहे, लेकिन जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आता देख वे जिला शिक्षा अधिकारी को एवं आवेदन प्रधानाध्यापक द्वारा लापरवाही बरतने का शिकायत भी किया, परंतु उस पर विभागीय कार्यवाही तक नहीं किया। अंततः इसका परिणाम 26 मार्च शनिवार को प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गया। उसके सहपाठी जो साथ में पढ़ाई करता था वो आगे निकलता देख जॉन अब्राहम को काफी दुखी देखा गया। गौरतलब है कि प्रधानाध्यापक की लापरवाही की वजह से छात्रों को प्रवेश पत्र नहीं मिलने पर निराशजनक एवं कार्यवाही करने की मांग की। जब प्रधानाध्यापक से संपर्क कर मामले की जानकारी ली गई तो वे टाल मटोल करते नजर आए, जिससे जॉन हेम्ब्रम मानसिक तनाव में है और परिवार वालों से भी चिड़चिड़ापन का व्यवहार करने लगे। जॉन हेम्ब्रम के भावनाओं को खंगालने की कोशिश किया तो इस मानो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है और उम्र के इस पड़ाव पर जो क्षण भर की बातों से भी मनोबल भी हताहत हो जाता है। और इस सारे मामले में होपना हेम्ब्रम एक ही व्यक्ति के ऊपर अपना नाराजगी जाहिर कर रहा था, वो प्लस टू एसएसटी हाई स्कूल के प्रधान शिक्षक फुल कुमार मंडल है। आगे इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी साल भर की मेहनत बच जाए और मुझे हर हाल में प्रमोट मिल जाए, इसके अलावा कोई बात या आश्वासन मेरी मनोबल को बढ़ाने में सार्थक नहीं होगा। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम अपना हेम्ब्रम, पिता का नाम श्री जोहन हेम्ब्रम। मैं प्लस टू एस एस डी हाई स्कूल ग्रेड का इंटर का परीक्षा देने वाला था, लेकिन मेरा परेशानी है कि मेरा एडमिट ही नहीं है मेरा दोस्त आज परीक्षा देने के। मतलब अब तुम्हारा साथ में जितना तुम्हारा भरा था दोस्त लोग फॉर्म फिलअप किया था इंटर का, जो आज से एग्ज़ाम देने बैठ गया, लेकिन तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं आया। मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो एडमिट कार्ड नहीं आया तो तुम किसको बोला? हम वहाँ स्कूल के हेडमास्टर को बोला। कौन है हेडमास्टर? फुल कुमार मंडल। क्या बोला वो? क्या बोला कि वो हेडमास्टर बोला कि हम 2 तारीख से एडमिट वितरण हुआ ना, 2 तारीख से हम बोले कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया सर। बोलता है कि तुम्हारा एडमिट कार्ड आने के लिए हम पूरा स्कूल से कोशिश कर रहे हैं, उस दिन से बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बोला। लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन अभी तक नहीं आया, ऐसे खाली बोलता है कि आ जाओ तुम चिंता मत करो हम कोशिश कर रहे हैं स्कूल से। अच्छा, लेकिन आज 24 तारीख हो गया, आज से एग्ज़ाम भी शुरू हो गया। आज से एग्ज़ाम भी खाली आश्वासन दे रहा था कि आ जाओ हो जाएगा, खाली आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया। तो और तुम किसी के पास इसके बारे में बताया है? इसके बारे में बताया, एक एप्लीकेशन लिखे थे, लेकिन मेरे को दर्द आया इसीलिए हम लिखने एक एप्लीकेशन DO के नाम से लिखे थे और BDO को दे दिए। हम उतना नहीं जानते कि क्या क्या कौन कौन साहब है, उसको नहीं देखे इसलिए आप BDO को दे दें। अच्छा, BDO साहब को आपने वो एप्लीकेशन DO के नाम से दिया था ना? तो BDO साहब वो एप्लीकेशन ऊपर भेजा था? हाँ, भेजा था। भेज दिया था। तो भेज देने के बाद DO साहब कोई कार्रवाई किया? DO साहब कोई कार्रवाई तो नहीं किया था, वो बोला कि प्रिंसिपल से भेंट हो जाए। वो बोल रहा था कि प्रिंसिपल से भेंट करो? अब प्रिंसिपल साहब बोल रहा है कि आ जाएगा। आ जाएगा, वो बोलता है कि आ जाएगा, कोशिश कर रहे हैं। मतलब है कि तुम्हारा जो परेशानी था कि एडमिट कार्ड कब आया था?